हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है भाई आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू स्टार गेमर्स चैनल। तो दोस्तों आज मैं फिर से खेलने वाला हूं फार्मिंग सिमुलेटर 22 यानी कि FS22। पिछली बार भाई मैंने जॉन डियर 5050E इंडियन ट्रैक्टर खरीदा था और मस्त हॉर्न के साथ, और भाई मैंने इसके साथ बेल बनाई थी और बेची थी और स्ट्रॉ भी बेची थी। तो अब मेरे पास 8 बेल बच गई हैं, तो इसको मैंने इकट्ठा कर लिया और कुछ मैंने उस ट्रक दूसरे जो ट्रक है पीछे खड़ा है ट्रॉली उसके अंदर भाई स्ट्रॉ इकट्ठी करी है अपनी गाय के लिए। तो गाय आज खरीदनी है और गाय का लगाना है बाड़ा यानी कि बार्न, तो जो कि रोबोट से काम करता है। तो उसके अंदर एक रोबोट है जो खाना खिलाता है, तो देखते हैं कैसे खाना खिलाएगा वो। और शॉप में जाने से पहले तो मैंने सोचा था कि पहले मैं शेड हटाऊंगा, वहाँ पर लगाऊंगा काऊ, लेकिन भाई वहाँ पर नहीं लग रही, मैंने थोड़ा ट्राई करा था। तो सबसे पहले एक मिनट यार, पहले ट्रैक्टर से तो उधर जाऊँ क्योंकि यार ये आवाज करता रहेगा नहीं तो। तो भाई काऊ का जो बाड़ा है उसको लगाने से पहले, तो ये है काऊ बार्न सबसे बड़ा, ये देख रहे हो। लेकिन इसको लगाने की एक मैंने इसको ट्राई किया अभी थोड़ा सा, तो एक दिक्कत ये है कि इसको चाहिए जगह प्लेन। तो पहले हमें जगह, अगर आपकी जगह मतलब जहाँ पे इसको लगाना है वो जगह प्लेन नहीं है यानी कि सीधी नहीं है, तो उसको हमें सीधा करना पड़ेगा इससे। तो F1 करके देखता हूँ, तो ये कहता है इसको चेंज कर लेंगे V से, ये गोल हो जाता है और ये चौरस हो जाता है, स्क्वेयर चौरस हम बोलते हैं चौरस। तो स्क्वेयर कर लेंगे इसको और बड़ा कर लेंगे भाई इसको फुल, तो M से बड़ा हो जाता है ये। तो पहले ऑप्शन कुछ और थी FS19 के अंदर, लेकिन इसमें कुछ अलग सी हैं। तो इसको अब लेवल करना है मेरे को, तो लेवल करने के लिए इसको मैं, ये घूमेगा कैसे, एक मिनट इसकी पोजीशन, एक मिनट इसकी पोजीशन को अगर घुमाना हो ऊपर, मैंने आज स्टेयरिंग व्हील को नीचे लगाया है ताकि आपको ऊपर नज़र आए कि इस विंडो में क्या क्या ऑप्शन आ रही है देखो। तो आज मैं पहली बार इसमें लेवल करने वाला हूँ FS22 के अंदर। FS19 में तो मैंने लाखों बार करा है। तो इसमें लिखा है ब्रश का साइज, ब्रश की स्ट्रेंथ और सब कुछ चेंज होगा, लेकिन ये घूमेगा नहीं, ये रोटेट नहीं हो रहा, तो यानी कि ये ऐसे ही रहेगा जैसे है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो भाई इसको सिर्फ ऐसे चलाना है और ये उस जगह को लेवल कर देगा, और इसको थोड़ा सा इधर चलाऊंगा मैं ऐसे, तो ये अपनी जगह लेवल हो रही है। एक मिनट, अच्छा हो रही है भाई, यहाँ पे भी कर लेंगे इसको। बस इसको मैं एक काम करूँगा, यहाँ से करूँगा सीधा और यहाँ से, बस बहुत है। तो लेवल करने से क्या फ़ायदा होगा हमें कि अपना भाई जो लगाएंगे काओ का बार वो सीधा सीधा आएगा। थोड़ा सा यहाँ पर भी रह गया, यहाँ पर कर लेता हूँ, यहाँ पर हो नहीं रहा। चलो थोड़ा सा देख रहे हो ऊंचा नीचे सा हो रहा है, एक मिनट बस, हो सकता है कि इसमें आ जाए। अब लगाते हैं एनिमल का पेन, ये काओ का। तो ये देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो ये लिखा आ रहा है कि ओवरलैप कर रहा है, यानी कि वहाँ पे स्ट्रॉ पड़ी है तो ये उसके साथ टकरा रहा है। तो यहाँ पे देखो अब लेवल हो चुका है, अब मैं इसको कहीं पर भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको खाना कहाँ से जाएगा, अच्छा खाना जाएगा भाई इधर से, ये जो लेफ्ट में बनी है साइलो यहाँ से खाना जाएगा। तो इसको मैं लगाता हूँ, अब मैंने लेवल कर दिया इस तरफ से, तो बस यहीं पे ठीक है। तो थोड़ा सा अपना खेत ख़राब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई, तो लेवल नहीं करूँगा तो दिक्कत रहेगी मुझे। देखो अब मैं बिल्कुल सीधा सीधा हो गया, और यहाँ पर देखो ये क्या हो गया भाई, ये ऊंचा नीचा क्यों हो गया, एक मिनट। तो यहाँ से थोड़ी जगह ऊँची नीची हो गई यार, हल्की फुल्की, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लेवल पे नहीं लगाया था मैंने अभी, तो ये क्या हुआ था, सारा जो ये जगह है ये ज़मीन के अंदर घुस गई थी नीचे। तो खोलते हैं इसको, तो यहाँ से जाएगा भाई अपना खाना, ये हो गई खाने की जगह, ये बनी है ट्रॉली, यहाँ से हम ट्रॉली से भी दे सकते हैं, वैसे तो इसके अंदर रोबोट है ऑटोमेटिकली खाना देगा। तो ये दरवाजे बाकी तो बंद रखने पड़ेंगे भाई, नहीं तो काऊ बनी यहाँ से बाहर निकल जाएगी, तो इसको बंद कर रखेंगे। सिर्फ ये दो दरवाजे खोल सकते हैं हम खाने के लिए, क्योंकि काओ यहाँ से छलांग मार के तो आ नहीं सकती। और एक मिनट यहाँ चलते हैं, तो ये जो दो जगह हैं यहाँ से काओ अपनी आएंगी, यहाँ पर घास खाएंगी और भाई वापस चली जाएंगी। तो एक दो और तीन, तो तीन जगह से हमारे को काओ अपना मतलब बाहर आ सकती हैं घूमने फिरने। और यहाँ पे लगा भी ये लैलो एस्ट्रोनॉट, तो एस्ट्रोनॉट है ये तो एस्ट्रोनॉट की ज़रूरत नहीं थी वैसे तो। चलो अब इन्होंने ये तीन मशीनें लगा रखी हैं यहाँ पे, इसी से शायद वो रोबोट काम करता है। तो चलते हैं बाहर, यहाँ पर पानी भी है, अच्छा पानी का इंतजाम अंदर कर रखा है ऑटोमेटिक। और इधर देखें तो ये तो गांव, ये काऊ की जगह हो गई, यहाँ पर लगता है दूध निकलेगा। हाँ पीछे गेट बना हुआ है, ये खिड़की है, अच्छा
बाहर चलते हैं। तो यहाँ पर एक दरवाज़ा है छोटा सा, ये खुल जाएगा। ओके चल भाई चल। अरे यार कहाँ अटक गया। तो ये दरवाज़ा है, इसको हम खोल सकते हैं, बंद भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मिलेगा शायद दूध। हाँ भाई निशान तो यहीं पे आ रहा है, लोड यहीं पे होगा। देखो ये है भाई मशीन लगी हुई है लैली की, लैली कंपनी की। तो दूध हमें यहाँ से कलेक्ट करना है। और ये भाई है हॉर्मैन, जैसे उसमें था मुर्गियों के बाड़े में था शायद ये, है ना। तो ये दरवाज़ा ये भी है क्या? अच्छा तो ये भी एक दरवाज़ा है भाई, बहुत बड़ा सा, ये इसको भी खोल सकते हैं। बाकी दरवाजे बंद रखने पड़ेंगे काओ के लिए, काओ ना निकले। अब चलते हैं उधर। तो यहाँ पर है भाई अपना हे का, और यहाँ पर है भाई स्ट्रॉ देनी है, और यहाँ पर देनी है भाई साइलेज। और ये है भाई वो रोबोट, ये रोबोट भाई अपना जो काम करेगा, ये यहाँ से माल इकट्ठा करेगा। देखो ऊपर मशीन लगी हुई है। तो चलो अब भरते हैं इसके अंदर माल, और सबसे पहले काओ खरीद लेते हैं। काओ का बटन किधर है? काओ कहाँ से खरीदेंगे इसमें? एक मिनट, काओ का बटन शायद भाई उधर है। तो एनिमल डीलर के पास जाके काओ खरीद सकते हैं। वैसे तो मैं डायरेक्ट ही खरीद लेता हूँ, क्योंकि कौन जाए। और यहाँ पर है भाई काओ का बटन, तो ये इसको खोल के काओ खरीदेंगे इसको। अच्छा लेकिन भाई यहाँ से, अच्छा यहाँ से काओ बाहर नहीं आ सकती। देखो ये भाई दरवाजे लगा रखे हैं ना, इससे काओ बाहर नहीं आएगी। तो यहाँ पे चल के आर दबाएंगे। और इसमें भाई तीन तरह की गायें हैं, $200 की है, एक है 1100 की, एक है 1550 की। 200 वाली की उम्र 0 है, यानी कि वह दूध नहीं देगी। और इसकी है 1100 रुपया एक एक काओ की कीमत, एक गाय की कीमत इतनी है। तो ये 12 महीने इसकी उम्र है, यानी कि एक एक साल की जवान है या बुढ़ी है, जो उम्र ही समझ लो। इसकी उम्र है भाई 1.5 साल, इसकी उम्र है 1 साल, इसकी उम्र है 0। तो मैं 0 वाली लूँगा, क्योंकि जब मैं फसल लगा के पकाऊँगा तो मेरा 1 साल आगे हो जाएगा। तो 1 साल में वो हमारे को, इसकी उम्र 1 साल हो जाएगी, तो ये इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी और ये बूढ़ी भी हो जाएगी, यानी कि जवान हो जाएगी। तो इसमें काओ देखें तो अलग अलग हैं। ये ब्राउन स्विस की है, ब्राउन स्विस मतलब इसका नाम है, इसका ये है होल्स्टेन, और ये है भाई एंगस, और इसमें भाई लेमोजिन भी दे रहे हैं भाई, लेमोजिन भी है। तो ये है भाई लाइमोजिन, लाइमोसिन है या लाइमोजिन है, जो भी है। तो ये ब्राउन है, तो ये लेते हैं यार, ये अच्छी लग रही है। तो इसको लेके करते हैं सिलेक्ट। और 1, 2, 3, अभी मैं काम करता हूँ, कितनी भर दूँ अभी, पहले मैं एक बार टेस्ट करूँगा कितनी कितनी काओ कितना कितना खाना खाएगी। तो 30 काओ ले लेता हूँ फिलहाल मैं, बाय करते हैं। ओके ओके लो भाई देखते हैं, आ गई। लो भाई काओ आ गई है हमारे खेत के अंदर, गाय माता आ चुकी है, ये रही और ये भूखी है, इधर खाना ढूंढ रही है। तो खाना हमें यहाँ से देना है। अच्छा तो चलते हैं बाहर, और एक अंदर यहाँ पे बैठी है और एक यहाँ पे बैठी है। वाह भाई वाह, देखो भाई बिल्कुल इंडियन काओ लग रही है ना। वैसे तो ब्राउन नज़र आ रही थी, लेकिन इसमें काली है सॉरी अच्छा ब्राउन भी है भाई, काली भी मिक्स है भाई। ये देखो ये ब्राउन है और ये है भाई काले रंग की। और मेरे घर में सीटियाँ बजनी कुकर की भाई, सॉरी, क्योंकि आपको पता है मैं छोटा सा घर है मेरा, और कमरा मेरा स्टूडियो जो है अलग नहीं है भाई, घर के अंदर ही है। तो अब चलते हैं इधर और खाने देने के लिए। हाँ तो चलते हैं भाई 50-50E के अंदर। और मेरे पास जो साइलेज, वो सॉरी स्ट्रॉ की बेल पड़ी है भाई, सबसे पहले मैं वो दे देता हूँ। अब इसके अंदर बेल भी जा सकती हैं, बेल भी दे सकते हैं, लूज भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो इसको करते हैं बंद खिड़की को अभी, यानी कि बेल दो या वैसे उठा के दे दो स्ट्रॉ को। तो मैंने अभी स्ट्रॉ उठाई नहीं है, बहुत सारी स्ट्रॉ पड़ी है मेरे पास भाई, मुझे उठा के बेचनी थी, टाइम नहीं मिला। चल भाई खींच दे कंडा फटाफट, मार दे हॉर्न। ओ ला भाई दूजा गेयर पा दे फटाफट, दा पिथे गया। तो बेल का, ओ भाई ये जगह उबड़ खाबड़ है, मैंने प्लेन करी थी लेकिन फिर भी हुआ है नहीं। चलो एक काम करते हैं, तो बेल इसके अंदर चली जाएगी, पता नहीं इसके अंदर जाएगी कि नहीं। चलो यहीं पे मैं अनलोड कर देता हूँ बेल को। ये अपने पास है 8 बेल, तो 8 बेल से कितना जाएगा। और इसके अंदर बेल, इसके अंदर स्ट्रॉ की, साइलेज की और हे की कैपेसिटी कितनी है अभी भाई ये भी नहीं पता। तो ये गई, अब यहाँ पे लोड कर देते हैं। चल भाई आगे कर इसको, ओ सॉरी यार, ओके चल बंद कर दे, एक सेकंड इसको बंद करके भाई साइड में खड़ा कर देते हैं, ताकि अपना दूसरा काम हम कर सकें। चल ठीक है घुमा, ले 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 इसको, हाँ बस बस बस, ओ बंद तो कर दे भाई मशीन को। ओके चल भाई, ओके खड़ा हो जाएगा काय थे। तो लो भाई आ गई अपनी बेल स्ट्रॉ की, अब उठाता हूँ मैं इसको। मैं भाई इसको हाथ से उठा सकता हूँ, क्योंकि मैंने हाथ वाला टूल लगा रखा है। तो ये कहाँ जाएगी? ओ भाई गायब हो गई, कहाँ गई?
एक बेल है अपनी 8000 की कैपेसिटी है इसकी 8000। ये गई भाई दूसरी 16 और ये गई भाई तीसरी और ये नीचे गिर गया, इसको उठा लूँ पहले। और ये गई अपनी 4 बेल कैपेसिटी, अब पता नहीं इसकी 1 लाख है 1.5-2 लाख है कितनी है। 41 भाई 41,000 हो चुका। ओ ओ ओ ओ, ओ इधर आ इधर आ। ये गई 47। ओए तो इसकी टोटल कैपेसिटी स्ट्रॉ की है भाई 49,000, यानी कि 50,000 से 1,000 कम। और अब यहाँ पे देनी है हे की और उसकी स्टाइलिश की बेल, तो भाई तो मेरे पास है नहीं अभी। तो मैं एक काम करता हूँ, चलता हूँ शॉप के अंदर और बेल यहाँ पे होती है तो ये खरीद लेता हूँ, 7-8 खरीद लेता हूँ भाई, पता नहीं अभी कितनी जाएंगी। ये भी शायद 50,000 जाएगी। तो ये आ गई भाई अपनी हे, इसको उठा के देते हैं अंदर। तो ये भी 8,000 की एक है, तो 8×7=56, तो 6-7 जाएंगी। अबे तू कहाँ आ रही है यार, अपने घर में रह। तो ये हे चली गई, तो हे मतलब ये पिघल जाती है, मतलब डालते ही वो उसका चूरा बन जाता है अंदर ऑटोमेटिकली। ये गई है इतनी एक और, अब उठाता हूँ इसको, आ जा भी आ जा। तो ये अपनी 48 अभी थोड़ी सी रह गई, तो 50,000 कैपेसिटी है यानी कि इनकी। ये गई हाँ, तो ये बच गई एक, इसको बाहर रख लेंगे अगली बार दे देंगे। और इसको भाई उठा के मैं ये साइड में कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये 2 बेल जो बच गई इनको भी भाई, अरे ये अपने अभी चली जाएंगे, काम करते हैं ना इनको अंदर ही रख देते हैं। तो जैसे ही वो ख़त्म होगी स्ट्रॉ तो अपने आप अपनी ये ऑटोमेटिकली अंदर चली जाएगी। तो ये काम करेंगे, इसको भी उठा के अंदर ही रख देंगे यहीं पे। चल भाई अब बची भाई इसमें साइलेज और इसमें जाएगा मिनरल फीड। लो भाई तो मिनरल फीड कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। देखो ये बना हुआ है जगह मिनरल फीड की, तो अब मैंने शॉप तो लगाई रखी है, तो अब चलते हैं साइलेज की बेल लेते हैं। ये भी भाई ले लेंगे 5-6 ले लेता हूँ, बहुत होंगी। तो सैलरी बना सकते हैं, सैलरी भी डाल सकते हैं बना के, लेकिन भाई अभी बनी नहीं है तो मैं अभी बेल ही दे रहा हूँ फिलहाल, तो टेस्ट करने के लिए ये काओ वगैरह कैसे अपने खाएंगी खाना। ये 2 चली गई, ये तीसरी 3 चली गई भाई, 4 अबे 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 तू कहाँ गिर गई, आ जा। तो ये सैलरी भी अपनी पिघल गई, ये सैलरी अपनी चली गई 25,000। ओए तो सैलरी की मतलब एक बेल छोटी है, ये चली गई भाई 30,000। एक सेकेंड यार, और देनी पड़ेगी थोड़ी सी, एक मिनट। तो बेल कम पड़ गई भाई, और देते हैं। कैपेसिटी कितनी है इसकी, इसमें कैपेसिटी लिखी नहीं है, तो 4 और ले लेता हूँ यार, बस बहुत होंगी भाई। पैसे नहीं है अपने पास, सब भी मेरे पास इतने सारे पैसे थे, और देखो इसको लगाने के बाद अपने पैसे कितने कम हो गए। चल भाई आ जा भाई, बेल चमक रही है एकदम, देखो ध्यान से देखो तो ग्लो कर रही है बहुत। ओ ये क्या हुआ, अच्छा थोड़ी सी दूर जाती है अपने चली जाएगी। लो भाई तो ये भी चली गई अपनी 50,000, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है शायद। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है वो बाद में पता चलेगा जब मेरे पास साइलेज बहुत सारी होगी। तो अब देने भाई मिनरल फीड यहाँ पर, तो मिनरल फीड के लिए भाई शॉप को फिर मुझे अब यहाँ पर लगाना पड़ेगा या यहाँ पर लगाना पड़ेगा, यहाँ पर लगा लेता हूँ। चलो तो मिनरल फीड कहाँ पर मिलेगा, पैलेट में मिलेगा शायद, हाँ इसमें मिलेगा भाई पैलेट में। ये होता है मिनरल फीड, ये है $1,000 का 1,050 लीटर। तो इस पर क्लिक करते हैं और ख़रीदते हैं। अरे यार इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। चलो एक काम करता हूँ, ये कम लगेगा बहुत, क्योंकि ये मिनरल फीड है तो ये बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, थोड़ा जाएगा। ये गया, लो भाई जाने लगा, देखो अपने आप ऑटोमेटिकली। तो ये जाएगा शायद इसके अंदर साइल, इसके अंदर साइलो के अंदर। अब हो सकता है इस साइलो के अंदर अपना टोटल मिक्स राशन जो है फूड TMR फूड वो आएगा। तो इसमें क्या है कि हमें TMR फूड बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम बना के दे सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अबे यार तू छलांगे क्यों मार रहा है इतनी, अबे यार ये कहाँ चला गया। ओके तो ये मैंने दे दिया भाई 5,000। तो TMR फूड हम जब बनाएंगे तो भाई हम यहाँ पर अपनी ट्रॉली के साथ, ट्रक के साथ कैसे भी यहाँ पर डाके डाल के दे सकते हैं। और मुझे लगता है यहाँ पर हमें मिलेगा TMR फूड, इसके नीचे ट्रॉली लेके आऊँगा मैं, तो TMR फूड जो बन जाएगा हमारा वहाँ से वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा।
तो अपनी काउ भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका, अब इंतजार करते हैं रोबोट का। तो मैंने इस रोबोट को टेस्ट करा था, तो भाई ये रोबोट काम करता है सुबह के 9 बजे, तो मुझे सुबह के 9 बजे आने पड़ेंगे, क्योंकि ये रोज़ सुबह 9 से 10 बजे के बीच में काम करता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 मिनट चलते हैं, कहाँ पे थी यार ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन है टाइम को कर लेंगे भाई तेज, 2 गुना 3 गुना 5 गुना, देखते हैं कितना तेज होता है ये, 240 गुना 360 गुना, भाई 360 गुना नहीं करना, 24 100 240 कर लेते हैं। अच्छा ओके, 360 ही करना पड़ेगा लगता। तो अब इंतजार करना पड़ेगा 9 बजे का। ओ लो भाई, अच्छा दोपहर को भी काम करता है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, भाई ये देखो रियल टाइम। अच्छा तो दोपहर को 2 बजे भी काम करेगा और सुबह 9 बजे काम करेगा, तो ये देखो ये अपने आप चलने लगा, वो मशीन देख रहे हो, ये अब अंदर नहीं जा सकता, ये देखो, तो वो मशीन अपने उठा के लाई है माल और उसके अंदर डाल दिया भाई रोबोट के अंदर। अब वो रोबोट को देखते हैं कब निकलेगा। अच्छा अब उसने साइलेज उठाई थी, अब वो जा रही है यहाँ पर क्या उठाने, स्ट्रॉ उठाने। लो उसने उठाई वहाँ से स्ट्रॉ, और ये उठाया, ये जाली सी क्यों आ रही है भाई, ये जाली सी इसलिए आ रही है क्योंकि ये ऐसे ही काम करेगा, मिट्टी धूल नहीं जानी चाहिए। अच्छा उसने अब डाली उसके अंदर स्ट्रॉ, और गाय ने खाना नहीं खाया, लेकिन गाय ने पेशाब करना शुरू कर दिया, स्लरी गाय ने दे दी है, और 225 लीटर अब ये उठा रहा भाई। हे अच्छा मुझे लगा था सिर्फ 9 बजे काम करता है, लेकिन ये सुबह 9 और दोपहर के 2 बजे दो टाइम काम कर रहा है। देखो तो हमें मतलब बार बार खाना देने की ज़रूरत नहीं है, बस आलसी बन जाओ, मतलब पूरा आलस घुसेड़ लो अपने अंदर और कुछ काम मत करो, मशीनें लगा लो। लो भाई रोबोट भाई तैयार हो गया और आ रहा बाहर, अगर मैं इसके आगे खड़ा हो जाता हूँ तो चलेगा, नहीं ये रुक गया। अच्छा मैं इसके आगे खड़ा होता हूँ तो चल नहीं रहा, किधर जा रहा है भाई, ओए अच्छा, ये ऐसे जाएगा भाई, पहले आगे जाके फिर पीछे जाएगा। तो ये जा रहा भाई, इसके अंदर खाना, ये देखो TMR फूड, लो भाई इसने बना दी, इसके अंदर मतलब ब्रेड लगा हुआ है एक, जो कि मिक्स करके TMR फूड बना दिया, और ये भाई लैली कंपनी का, लैली वेक्टर। और ये चला अपना रोबोट भाई, इसके आगे आगे चलते हैं थोड़ा सा। लो भाई ये आया और ये यहाँ पे खाना देना से शुरू कर दिया, गाय ने वहाँ पे खाना शुरू कर दिया, देखो ये देखो ये भी खाने लगी, खाना आ गया यहाँ पे कितना, अभी देखते हैं, खाना आ चुका है भाई 1191 लीटर, यानी कि 1200 लीटर, और गाय की हेल्थ हो चुकी है 10%। और ये देखते हैं कितना खाना दे दिया इसने, अबे देना जल्दी भाई, दिखा तो सही। ये है लैली, तो इसके पास जाने से भाई ये रुक जाता है, देखो इसके आगे खड़े हो जाएंगे तो काम नहीं करेगा, तो भाई इससे दूर रहना पड़ेगा। तो ये जाली से लगा रखी है, मतलब बोरी बोरी होती है ना, बोरी बोरियाँ लगा रखी हैं यहाँ पे, यानी कि लो भाई ये वापस घूम गया, ये वो ये क्या निकला, अच्छा, इसके ऊपर से भाई कुछ निकली है प्लेट सी, तो ये रोबोट है, और ये खाना भाई कम हो गया, देखो देखो इसके अंदर ब्लेड लगा हुआ है, वो देखो इसके अंदर ब्लेड लगा हुआ है, जो कि खाने को मतलब स्ट्रॉ को साइलेज को और उसको तीनों को मिक्स कर देता है, और उससे बनता है TMR फूड। चल भाई चल चल चल, सॉरी 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 फॉर डिस्टर्बेंस, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मेरी लैली बहन, मेरी लैली बहन है, मेरी लैली भाई, भाई बोलो या बहन बोलो। ये देखो नीचे से खाना आ रहा है, ये डाल रहा खाना, देखो 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 ध्यान से, चल चल डाल दे डाल दे डाल दे, बस हो गया हो गया भाई, हो गया खाली हो गया भाई। लो भाई लैली बहन जल्दी अपने कार वापस, खाना डाल के, ये देखो ब्लेड, चल भाई जा जा भाई जा अपने घर जा। तो वो चला गया अपने घर, और ये खाना अभी 1191 लीटर, अबे इतना ही खाना दिया इसने, अभी देखता हूँ। और तो यहाँ पे मतलब माल ख़त्म नहीं होना चाहिए, जैसे जैसे माल ख़त्म होता जाएगा, अब ये आ गया वापस, अब देखते हैं दोबारा से देगा। ओ भाई अपने आप ही भाई ने बटन दबा के अंदर शटर बंद कर लिया, तो अब इसने 2 बजे खाना दिया। अब एक बार और चेक चेक करते हैं टाइम को थोड़ा सा आगे करके, देखते हैं कितने, भाई देखना पड़ेगा ना, इसने सुबह 9 बजे खाना देता है, दोपहर को 2 बजे देता है, अब देखते हैं शाम को देगा, ये क्या हो रहा है, यानी कि जितनी जब तक उनका खाना पूरा नहीं होगा ये अपने आप ऑटोमेटिकली देता रहेगा, इसमें टाइम की कोई वो नहीं है, इसमें टाइम का कोई चक्कर नहीं है भाई। तो मतलब अब 2 बजे दिया, आप 3 बजे दिया, जैसे जैसे काओ को खाने की ज़रूरत होगी
ये ऑटोमेटिकली उनको खाना पहुंचा देगा, हमें मतलब टेंशन की जरूरत नहीं है। बस हमारा यहाँ पे सैलेज स्ट्रॉ और हे ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए। चलो भाई ये हो गया अपना रोबोट का काम, और इधर चलता हूँ एक बार यार, अभी देख लो मुर्गियों ने क्या कर दिया। अबे मुर्गियों ने क्या कर दिया भाई, खाना है अभी तो, अंडे कितने से आए हैं, अंडे आए हैं भाई अपने पास 1400 1400, अभी ये फुल नहीं हुआ। तो मुर्गियाँ भी क्या करना पड़ेगा मुझको भाई, मुर्गियों को भी वो करना पड़ेगा, बड़ा बाड़ा लगाना पड़ेगा ताकि ज़्यादा अंडे आए। तो मैंने सोचा शेड हटा दूंगा, लेकिन शेड हटा के फ़ायदा नहीं है क्योंकि अपने पास यार सामान बहुत सारा है, इनको खड़े करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्ट्रॉ तो मेरे पास बहुत सारी है यार, मैंने तो अभी सिर्फ इतनी सी दी है उसको 50,000, और वो भर भी गया। तो अपने पास स्ट्रॉ इसके अंदर है भाई 3,00,000। तो एक काम करना पड़ेगा, इसको कहीं पर सेफ जगह पर रखना पड़ेगा। अरे हाँ यार, एक तो चीज़ देखी नहीं भाई, एक मिनट रुक तो जाओ। इसमें गाय को जो हमें स्ट्रॉ देनी है वो यार, एक तो इसके गेयर बहुत सारे हैं भाई, देखो 20 गेयर हैं इसके, बताओ कैसे चलेगा ये 20 गेयर भाई। तो काओ को स्ट्रॉ भी तो देनी है, स्ट्रॉ कहाँ से देंगे, एक मिनट रुको। आपको याद होगा FS19 में हम काओ को स्ट्रॉ देते थे, तो यहाँ पे स्ट्रॉ, वो देखो भाई रोबोट फिर चल पड़ा अपने काम पे। यहाँ से तो हमें शायद, एक मिनट, खाना मिलेगा, आर दबा के देखते हैं, F1 करते हैं तो। ओ यार एक मिनट, टर्न ऑन लोडिंग वैगन, नहीं यहाँ से नहीं जा रही स्ट्रॉ, मुझे लगता है स्ट्रॉ भी वहाँ से, स्ट्रॉ भी यहीं पे देनी पड़ेगी। यहाँ पे देख लेते हैं गाय के पास स्ट्रॉ 0 है देखो, तो स्ट्रॉ भी देनी है, तो स्ट्रॉ मुझे लगता है यहीं पे देनी पड़ेगी। एक मिनट, और कोई जगह है, ये तो दूध की जगह है, ये नहीं है। हाँ तो स्ट्रॉ अंदर यहाँ पे, यहाँ पर देनी है भाई स्ट्रॉ। इस रोबोट को जाने देते हैं अभी, तो फिर मैं स्ट्रॉ देता हूँ उसके बाद, क्योंकि काओ के पास स्ट्रॉ नहीं है, स्ट्रॉ 0 है। आ जा भाई आ जा, जल्दी कर जल्दी कर। तो मिनरल फीड मैंने दिया था, मिनरल फीड मतलब बहुत कम लग रहा है, और साइलेज अपनी पूरी है अभी, नहीं हे और स्ट्रॉ 50,000 है। तो जो मैंने यहाँ पर रखी थी बेल, ये देखो ये बेल मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली अंदर चली जाएगी, और ये देखो यहाँ पर ये भी अंदर जाएगी, तो इसी की वजह से अपनी स्ट्रॉ है पूरी है। रोबोट आ गया भाई बाहर, अब चलते हैं भाई अंदर एक बार, और अंदर खाना देते हैं, इसको हटाते भाई, इसको एक मिनट भाई, इसका तो गेयर 19वां लगाना पड़ेगा। चल 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 चल, इस ट्रैक्टर में भाई जान ना इतनी, एक मिनट भाई घुमाना पड़ेगा यार इसको दूर से। अबे चल लेना यार, यो भाई ये तो बहुत ही बेकार ट्रैक्टर है भाई, इसको पहले गियर पे खींचना पड़ेगा। अबे यार चल लेना, हाँ अब चला अब चला, लगा जान लगा जान लगा जान लगा। 8वां 9वां 12वां, अब चला 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 चला, हाँ चला जा आ जा आ जा आ जा। तो ले चलते हैं ट्रॉली को अंदर, देखता हूँ घुस जाएगी, घुस तो जाएगी भाई, जा रही है जा तो रही है, आ जा आ जा। तो अब अंदर जाएंगे तो आई का निशान आ जाएगा अपने आप ही, तो वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, स्ट्रॉ का निशान आ गया आई का, तो ये कभी अपनी स्ट्रॉ, ये देखो कितनी स्ट्रॉ जा रही है भाई, ये देखो। तो भाई स्ट्रॉ रखनी पड़ेगी बहुत सारी, ये भाई 30 काओ ने इतनी सारी स्ट्रॉ खा ली, 3 लाख थी और भाई 30,000 स्ट्रॉ चलेगी, यानी कि एक काओ को 1,000 स्ट्रॉ चाहिए। चल भाई निकाल इसको, चल भाई चल 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 चल, लगा दी तेरा गेयर। अबे भाई टॉप गेयर लगाना पड़ेगा तब स्पीड बनेगी। तो ये सारी स्ट्रॉ उठा के, और भाई थोड़ी सी मतलब 5-10 लाख मेरे को वो करनी पड़ेगी, स्टोर करनी पड़ेगी कहीं पे। तो एक काम करूँगा, जो मेरे पास शेड है उसी के अंदर स्टोर कर दूँगा भाई, उसी से उठा उठा के वहाँ से ले आऊँगा। अच्छा इसको लेवल करा था मैंने जगह को, लेकिन उसके बाद भी देखो तो ये ऊंची नीची हो गई है, देखो यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से ये ऊंची नीची है। हाँ तो ये है भाई काओ का रोबोट वाला सिस्टम। ओके भाई तू यहाँ पे खड़ा हो जा, बस ठीक है बस ठीक है ठीक है ठीक है ओके बस भाई। 20-20 गेयर हैं यार, कैसे चलाएंगे 20-20 गेयर के साथ। अबे मच्छर की औलाद हट जा,
तो अब चलते हैं, अब एक बार देख लेते हैं सब कुछ। काओ के पास दूध भी दे दिया भाई इन्होंने 37 लीटर। अभी ये मैंने ली थी काओ बच्ची, मतलब जीरो जीरो की जीरो उम्र है अभी, जब ये बड़ी हो जाएंगी तो दूध ज़्यादा देंगी। ठीक है भाई, अब रोबोट अपना 1-1 घंटे बाद काम करेगा, मुझे लगता है हर घंटे काम करता है। 100 भी चेक करने के लिए एक तरीका है, इसको टाइम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अभी बजे हैं भाई देखो 3:47, 3:48, 1 मिनट और तेज करते हैं थोड़ा सा, 3:50, 51, 52, 53, तो 4 बजे देखता हूँ 4 बजे ये काम करेगा कि नहीं करता। हाँ, ये हर घंटे बाद काम करेगा अगर अगर गाय के पास खाना नहीं है। अगर उनके पास खाना पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिकली मतलब हर घंटे में काम करता है, जब भी 4 बजेंगे, 3 बजेंगे, 2 बजेंगे, 2:30, मतलब 2:30 बजे, 1:30 बजे ऐसे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो चलो टाइम को कर देते हैं रियल टाइम वापस करके, और इसको कर देते भाई सेव। ठीक है, तो ये अभी काओ का पूरा सिस्टम मैंने आपको दिखाया आज। तो अगली बार कौन सी फसल लगाऊं बताओ जल्दी से, इसको मुझे अभी प्लो व्लो जो भी करना है मैं करके अगली फसल लगा के रखूंगा। फिर मुझे कमेंट करके बताओ आप कौन सी फसल लगाई जाए। और अभी चलते हैं अपने ट्रैक्टर के अंदर, उसको वापस लाना था ये। और हाँ यार, इसको तो हटा दूँ भाई, इसकी ज़रूरत नहीं है। और शॉप में जाके यार इसको एक बार वापस कर दूँ, अभी तो बेल बनाने का टाइम नहीं है मेरे पास, तो उसको करते हैं रिटर्न। ओके चल भाई, ये आगे भी अपना ट्रैक्टर, यार ये बढ़िया ट्रैक्टर, क्योंकि इसके साथ इसमें गियर मैंने लगाए 4, तो 4 गियर के साथ सही चलता है भाई, 16-16 गियर के साथ मज़ा नहीं आता। लो भाई काओ माता आ गई ये, तो बताना भाई कैसा लगा फिर आज का गेम प्ले। और ये था पूरा इसका ट्यूटोरियल, आपको मैंने समझा दिया अगर आपको लगाना है कैसे लगाओगे, और खाना कैसे कैसे देना है, और कौन सा दरवाज़ा खोलना है, कौन सा बंद रखना है, सब बता दिया। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखो, खाओ पियो स्वस्थ रहो और मस्त रहो। वो जा रहा है अपना रोबोट, मारते हैं एक बार इसको टक्कर, देखते हैं क्या होता है। ओ भाई बड़ा ढीठ है ये भाई, बहुत पक्का है, हिल नहीं रहा। ओ यार अब उसको भाई, उसको जाने तो दो, पीछे कर भाई पीछे कर। अरे चौथा गियर पा यार, जा भाई जा, सॉरी सॉरी तो डिस्टर्ब किया, चल पड़ा भाई चल पड़ा। ओके चल 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 भाई तू तो चल, तो मतलब उसके आगे खड़े हो जाएंगे, यहाँ से टच होंगे तो भाई वो चलेगा नहीं। चलो दोस्तों, ये था आज का गेम प्ले FS22 का $100 मिलियन चैलेंज का अगला पार्ट। और अपने पास पैसे खत्म हो चुके हैं, $8 लाख मेरा आज खर्च हो चुका है, 8 लाख। चलो फिर कमाएंगे, फिर अगली फसल कौन सी लगाएं जल्दी से कमेंट करके बताओ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।